जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को मिले सीबीआई समन पर सियासी बवाल जारी है। कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि आखिरकार पीएम मोदी से रहा नहीं गया, मलिक ने देश के सामने उनकी कलाई खोल दी है, अब सीबीआई ने उन्हें बुलाया है, ये तो होना ही था। उधर आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरा देश आपके साथ है, खौफ के इस दौर में आपने साहस दिखाया है, सर वो कायर है, सीबीआई के पीछे छिपा है। वहीं सत्यपाल मलिक ने कहा कि सीबीआई कुछ स्पष्टीकरण चाहती है, मैं राजस्थान जा रहा हूं, इसलिए मैं उन्हें 27 से 29 अप्रैल की तारीख दी है, जब मैं उपलब्ध रहूंगा। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मिली जीत के बाद सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल से रिटायरमेंट के संकेत दिए हैं। मैच के बाद धोनी बोले कि ये मेरे करियर का लास्ट फेज है और इसके हर मोमेंट को एंजॉय करना बेहद जरूरी है। धोनी ने कहा कि जाहिर तौर पर मैं बूढ़ा हो रहा हूं और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चेपॉक के मैदान पर सीएसके के सपोर्टर से मिले प्यार पर धोनी बोले कि यहां आकर अच्छा लगता है, फैंस ने बहुत प्यार दिया और मुझे सुनने के लिए वो हमेशा देर तक स्टेडियम में रुकते हैं। 2 साल के बाद फैंस को यहां देखकर काफी अच्छा लगा। इसके साथ ही धोनी ने मजाकी अंदाज में कहा कि मुझे बेस्ट कैच का अवार्ड नहीं दिया गया, जबकि वो एक शानदार कैच था। वो बोले कि मैं पोजीशन में नहीं था, उसके बावजूद एडन मार्करम का कैच लपकना कमाल का था। उन्होंने कहा कि लोगों को लगता है कि अगर आप ग्लव्स पहनते हैं तो ये आसान हो जाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे कैच पकड़ना आसान नहीं होता। शनिवार को देश भर में धूमधाम से ईद मनाई जा रही है। दिल्ली के जामा मस्जिद समेत देश के अलग अलग हिस्सों में नमाज अदायगी के लिए सुबह से ही मस्जिदों में भीड़ जुट रही है। जामा मस्जिद से सामने आई तस्वीरों में लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाइयां देते और सिर झुकाकर नमाज अदा करते दिखे। महाराष्ट्र के माहिम दरगाह में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। मध्य प्रदेश के भोपाल के ईदगाह में भी लोग दुआ करते नजर आए। पटना के गांधी मैदान में ईद के मौके पर इसके अलावा भी कई जगहों पर मस्जिदों में लोग दुआ करते और ईद की खुशी मनाते दिखे।